मैं साठ डेढ़ सौ दो साल तो जाना पहला भी जाना नौ सुने इस इलाके सीधा चैलेंज है अगर वो मैंने दस दो मैंने पांच लाख पैसे दिए जो मर्जी सजा ला दो एस डी का काम है सानू क्या करने की लड़ पैगी जो लोग मंग करते कहते सारा पानी सुख गया सी बी आई तो जांच कराओ साहब जी तहसीलदार को फट के आए सारी वीडियो तुम्हें देवगा इतना रिलीज करा गड्डिया फटा के कोबलैन तो चल नहीं सकती है कोबलैन क्यों चल रही मेरी कोई दोस्ती नहीं थी सारे मैं जानते थे इलाके के बंदे इधर दोस्ती कर रही उन्होंने कोई नहीं निजी प्यार ना मैं ब्याह चाहता ना कि जाता डेढ़ घंटे बाद प्रशासन आया है और डीएसपी साहब और तहसीलदार साहब उन्होंने को फड़ा के असि वापस आ गए उस तो बाद दूसरे दिन संडे का तीसरा दिन संडे वाले दिन डीसी साहब साढ़े पांच बजे रोपड़ मंग पत्र दिता कहने कार्रवाई होनी चाहिए क्यों नहीं हजे तक कार्रवाई हुई तीन दिन उसका कोई जवाब नहीं मिले मंगलवार मैं इतने से दफ्तर बैठा था मैनेजिंग डायरेक्टर मिलना मेरे नाल दो तीन एमएलए होर भी से अपने दफ्तर विधानसभा उत्थे मैंने फोन आ गया मुंडे का पीए का कहिंदा जी मैनेजिंग चलती है मैं डीसी साहब नूं फोन करिया कि उत्थे मैनेजिंग चल रही है बड़े जोरां ते उह कहिंदे जी असीं भेजदे आ एस डी एम साहब नूं तहसीलदार साहब नूं प्रशासन नूं भेजदे आ शाम नूं मैनूं कोई पंज क बजे तहसीलदार साहब का फोन आया कहिंदे जी इत्थे कोई गड्डी ते कोई टिप्पर नहीं फड़िया गया है मैं क्या तहसीलदार साहब तुसीं गए होने है टिप्पर भज गए होने पर जिहड़ियां पोप लैना उत्थे नेड़े तेड़े होणियां कितें खड़ियां उह कहिंदे कोई दूर जा नहीं सकदियां पोप लैना कि उत्थे जरूर होणियां उन्हें जवाब देता उस तो दो दिन बाद मेरे घर वीरवार वाला दिन सवेरे पत्रकार आ गए जी पंजाब का पी टी सी का होर कई पत्रकार सत अठ पत्रकार मैं कहते मौका देख जाना भी तो जो असी पुछते हैं अफसर शाही वो उल्टा कहते हैं कहते भी झूठा बोल रहे झूठ बोल रहे हैं मैं जी चलो चलिए ये मुंडे भी तैयार हो गए आप भी तैयार हो गए चल गए सानू इधर का पता नहीं था असी किसी प्रशासन को फोन नहीं करे ना किसी की गड्डी घोरी ना किसी की मशीन फड़ी वो सानू देख के मीडिया में भज गए लोग सारे मीडिया ने मेरी वाइट लैनी थी वाइट लैके असं वापस आ रहे जो हम देखो मेरी गल सुनो मैं नूरपुर दे रोपड़ हल्के दे नूरपुर मेरा अपना रोपड़ हल्का है जद्दी कले कले बंदे नूं जानदा सारे कांग्रेस वाले भी जानदा बीजेपी भी जानदा अजविंदर मैं साठ डेढ़ सौ दो साल तो जाना पहला भी जानदा नौ सुनिया इस इलाके पर मैं दो साल से राजनीति है सारे नूं जान लग पिया पहला मैं दिल्ली रहिंदा सी घाटां दा पिंड हफ्ते दस दिन आराम नाल काम करके वापस चल जांदा भुल गया कि जिहड़ी अज बिल्कुल पोलिटिकली मोटिवेटेड क्लीन चिट दिती आ इलीगल माइनिंग वालिया नूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रोपड़ ने यह होर भी दुखदाई गल आ इत्थों हुण साफ स्पष्ट होई जांदा वा कि सरकार उहदे ते हुण गैर कानूनी माइनिंग दे उत्ते पूरा पर्दा पाउण ते आ गई आ और मेरी अज तो जदों इहनां दे हमला होया जिद्दण मैं मिस्टर राहुल जिहड़े कि इस वक्त शायद आई एस ऑफिसर ने डायरेक्टर माइनिंग ने मिस्टर अमित ढाका की जगह के उत्ते मैं कैटेगोरिकली पूछा कि जिहड़ा बाई हारा खड आ ये मिस्टर राहुल ये लीगल है कि इनलीगल है वह कहिंदे जी कि यह खड सस्पेंडेड है मतलब कि यह खड हुण जो सस्पेंडेड है तो यह मतलब कि उत्थे कोई किसी तरह की माइनिंग नहीं की जा सकती लेकिन हुण रेवन्यू ऑफिशल्स रिपोर्ट लै रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कि खड जी लीगल है तो ये ते लीगल कार्रवाई चलती है खड मंजूर है हरसा बेला बई हरा खड कैंसल है जे मंजूर है कोई सौ फुट पचास फुट करने की मेहनत थोड़ा है पर पानी च नहीं है मुंडा बोटा साडा कोल पईआं पूरीआं गड्डियां फड़ा के बिच मशीनां चलदीआं पानी फड़ के आए हैं
कोई ऐसा काम नहीं है जो प्रशासन का काम है एस डी का काम है सानू क्या करने की लोड़ पैगी जो लोग मांग करते कहते सारा पानी सुख गया पानी पे मुंडे फोटो दिखा दें सू सारे नहीं क्वेश्चन है कि जिहड़ियां लीगल खड्स भी ने उन्होंने भी वह डूंगाई च भी वायलेट कर रहे हैं तो चौड़ाई च भी वायलेट कर रहे हैं जे फर्ज करो लेट से 9 फुट अलाउड है माइनिंग करनी तो 50-50 फुट माइनिंग की हुई तुम आप जाके किसी वेले बनाओ बनाओ प्रोग्राम आप चल चलते सारे ऑन द स्पॉट तो जी चौड़ाई है फर्ज करो 10 एकड़ के माइन है तो उ 25-30 एकड़ के माइनिंग करी जाते हैं जो हादसा वापर है उदो क्यों वीडियो चवे बोल रहा तू फिर पैसे लैन वास्ते आ गया पांच बंदे मतलब बहुत क्लोजली जानते बचित्र इंसान की यार बचित्र ना मार एक आपस की जानते मैं तुम्हें क्या कहना पे नूरपुर के मैं बच्चे बच्चे जानता अकालिया भी कांग्रेसियों भी बीजेपी हर पार्टी के बंदे जानता चलो उस खड का हाल देखो जो अकाली 10 साल चीमा और मित्तल साहब दोनों मंत्री से किन्ने जंगल ढो ले किन्ने खा ले किन्ने किन्ने फुट डूंगे इनक्वायरी जरूर कराओ सीबीआई क्यों नहीं करवा रहे हैं मैसेज जी का रौला पाता एक मैं अफसोस की गल कहना पै रहा वा कि एक जिन्हों लोगों को कतल में सज़ा हुई है तुम उन्होंने स्टेटमेंट से रिलाई कर रहे हो एंड यू आर क्वेश्चनिंग एन इलेक्टेड रिप्रजेंटेटिव जो लोगों का चुनिया हुआ नुमाइंदा थोड़ा जहा प्लीज़ रिफ्रेन योर सैल्फ फ्रॉम रिलाइंग अपॉन द स्टेटमेंट्स ऑफ क्रिमिनल्स दे आर एस्टैबलिश क्रिमिनल्स दे आर ऑन बेल दे आर ऑन बेल और उन्होंने पुलिस फड़ नहीं रही जो तुम मजीठिया के एलीगेशन लाने इस तमाम लोगों के एलीगेशन लाने उदो भोले के बिहाफ ही लाने ना जमीन आसमान का फर्क है सजा याफ्ता दा ते एक एमएलए दा कोई फर्क नहीं गा यार थोड़ा बहुत प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम यू आर अलाउड टू क्वेश्चन यू आर अलाउड टू आस्क फॉर एलिगेशन जवाब देता दैट हैज नथिंग टू डू विद वो कहता सीबीआई जांच करा लो और केड़ी जांच चलो आए करो कैप्टन साहब नु को करो सीबीआई दी जांच दे चौकर लग जो पता दुद्ध दुद्ध पर असि चैलेंज करते हैं सीबीआई दी जांच जे नहीं हुंदी एदा मतलब सरकार उहनां नाल रली हुई है जे सीबीआई दी जांच नहीं मार करदे सरकार माइनिंग माफिया नाल रली है ये जो रिपोर्ट दी है कि वहां किसी तरह का कोई खनन नहीं था उन्होंने कहा है कि पानी के बाहर जो 2-2.5 फीट खनन था जो कि लीगल है गड्डिया फड़ा के पोबलैन उ चल नहीं सकती पोबलैन क्यों चल रही कई जगह ते मैनुअल माइनिंग अलाउड है मैनुअल मशीनां अलाउड नहीं हैगी तेरा यादविंदर जी तुसी तां आप जा एक मिंट तुसी तां आप कल जाके आए तुसी क्या पिंड वाले ने तस्दीक कीता कि गैरकानूनी माइनिंग चलदी है बाद च रिपोर्ट हुण तां हुण नहीं पहला मेरे गल दा जवाब दिओ तुसी मेरे तो पुछ लिओ पिंड वाले ने कहा कि नहीं गैरकानूनी माइनिंग चलदी कि नहीं चलदी एसएसपी ने उदों बाद क्या तुहाडे नाल जदों मैं गलबात कीती उदों बाद तां हुण तां प्रशासन पहला मैनूं दस्सो पिंड वाले ने की कहा सी ओह कह रहे पिंड वाले ने की कहा सी पिंड वाले ने की कहा सी आई एम आल्सो आस्किंग यू सेम क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल जवाब नहीं दे रहे तुसी बेहरा पिंड दी खाडी नहीं हैगी पूरी जांच कराओ बाहर दे बंदे लियाओ उत्थे खड मनाइए केड़े पिंड दी खड पैंदी है सारे जाने हुणे चल तुहाडे नाल मनांदे चलदे आओ चलिए खड किथे आंदी है फट आओ चलिए सारे खंड का पहला भी बड़ा रौला पाया जोगिंदर सिंह ने बहुत गैरकानूनी मैनेज करी है अगर मैंने वोटा पाते हैं लोग तो मैं गैरकानूनी मैनेज करा उस इलाके में मैं यही कह रहा कि तुम्हें उदो पता नहीं सी जो वह माइनिंग का बिजनेस 10 साल तो जो पार्टी का वर्कर साहब मेरी गल सुनो पैसे दिता
देखो गल जवाब ही दे रहा वा आ जा इधर कैमरे फेसबुक नूरपुर बेदी सब तो सत्कारक धार्मिक स्थान है फेसबुक से क्या वा चुनौती दी चीमा साहब न चुनौती दी है अजविंदर ते बचित्तर ते सारे नूं कोई एविडेंस है सारी दुनिया नूं जानदा यार अकाली दल दे कहड़े बंदे नूं जानदा ते पुछो ना रोपड़ दा ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ ਜੀ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜੋ ਕਰਾਓ ਚਲੋ ਕੈਪਟਨ ਐਦਾਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਜਾਓ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਨੇ ਹੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ 5-4 ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਮੋਰ ਟੂ ਸੇ ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੁੱਛ ਲੈਣੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਸਕਿਉਰਟੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੱਲੇ।